This is my everyday story. I wake up early, then I'm lying on the bed because I don't feel like leaving the bed. And Aru, she is sitting there. There. Alright guys, good morning. Today is 25th of April. Right now it's 11 o'clock and this is how my days have been since last 3 weeks. I used to be a morning person, but these days I just don't get sleep at night. So I sleep at around 4-5 a.m. and then I wake up at 10 or 11. But I can afford this abhi ke time pe, because abhi ke time pe na jo bhi achha lage wahi karna chahiye. My day has started and I have decided to vlog throughout the day. वैसे कुछ खास है नहीं इस व्लॉग में, इट्स जस्ट मी एंड माय कैट इन द हाउस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर वेकिंग अप, इवन बिफोर गोइंग टू द लू, आई हैव टू फीड आर्या, आई हैव टू गिव हर फूड. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं बता दूँ, आई हैव अ वेरी क्यूट कैट, हर नेम इज़ आर्या बट आई कॉल हर आरू. सो थ्रू आउट द व्लॉग यू विल हैव ओनली टू कैरेक्टर्स, मी एंड आरू. मैडम आरू, पर्शियन कैट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी आईज बहुत ज़्यादा वॉटरी ट्यूरी होती है, तो आई हैव टू कीप ऑन क्लीनिंग इट. और कभी कभी शी डजंट लेट मी क्लीन एंड मैं बिल्कुल प्यार में उसको छोड़ देती हूँ, ऐसे या लाइक टॉर्चर नहीं करती हूँ, बट अभी उसको खाना देती हूँ मैं. चलो बाहर आओ. आरु, ओहो हो, एक काम तो करता नहीं है तू, मोटा मजे लेता है सिर्फ मसाज के. सुबह उठ के अगर आपने अपना बेड बना लिया, आप जंग जीत चुके हो. एंड कंसिडरिंग द पर्सन आई एम, जिसको हर चीज बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज चाहिए, मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. Clean my kitchen at night only, but then yesterday I got so tired. This is tea, kada, anything you can say. I so love it, you know, जब चाय ऐसे boiled होती है ना, इसको देखने का मजा ही कुछ और है. ये चाय देख के अगर आपको चाय पीने का मन नहीं किया तो मैं चाय बनाना छोड़ दूंगी. If you are a chai lover, give a thumbs up in the comment section below. This is my favorite time of the day. आजकल सब इधर उधर हो रखा है तो आई कैन नॉट रियली कॉल इट कि कौन सा मेरा फेवरेट टाइम है, बट या सुबह की चाय इज माय फॉरएवर फेवरेट. और आजकल चाय के साथ आई एम हैविंग क्रैक जैक बिस्किट, ट्रस्ट मी, चाय में डिप करके. दिस इज सो गुड, यू गाइस हैव टू ट्राई इट वंस. तो पहले मैं चाय के टाइम पे फोन ब्राउज करती थी, बट आजकल बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ न्यूज अबाउट कोविड, मेरे साथ ऐसा हुआ बिकॉज आई हैड माई फैमिली सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो मैं न्यूज़ को बहुत अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पा रही थी, अच्छे से एज इन इट वॉज जस्ट हैम्परिंग माई मेंटल हेल्थ एंड आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम माई फोन एज मच एज पॉसिबल. सो इन केस यू गाइज आर फीलिंग लिटिल लो और एंशियस एंड थिंक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है माइंड के ऊपर, जितना हो सके अवॉइड करो न्यूज चैनल्स एंड ऑल. इन मीडिया इंडस्ट्री इट्स मोस्टली द केस, वट एवर ब्लीड्स इट सेल्स, लाइक जितनी भी स्केरी न्यूज़ होंगे ना वो उसको ज़्यादा दिखाते हैं. आई जस्ट रियलाइज कि अभी जो मैंने बात बोली उससे बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑफेंड होने में एनी में पैसे नहीं लगते. बट लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मेंट, अगर आप टाइम अगेन बार 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 नेगेटिविटी, नेगेटिव न्यूज़ ये सब कंज्यूम करोगे ना, व्हाट विल हैपन, फियर विल सेट इनसाइड योर हेड और इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी. माइंड में अगर बहुत ज़्यादा फियर है, नेगेटिविटी है, डर, घुटन, सफोकेशन एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, देन वॉट विल हैपन, इट विल अफेक्ट योर फिजिकल बॉडी एंड एनी वे इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है इस पूरी बॉडी पे. क्या देख रहा है? अरे अरे अरे, किधर भागो, किधर भागो, मीठा पीरा बंदर. अरे अरे अरे, बाहर निकलो.
आरो songs these days. It's like, you know, with every song we have the memories of our childhood days. Mere liye to childhood nahi, teenage days, but itna maza aata hai na, full on volume mein song on kar do. Sahi hai, set hai. This is my way of coping up with everything. Aru, this is a very expensive laptop. You realize that? And this is my hard drive. अब ये तू गिरा देगा तो मेरा तो काम damage होगा ना. Look at her. I'm telling you, I'll break your bones today. Come out. सेट शावर हो गया, पूजा भी हो गई. प्रेइंग हैज बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी सिंस माई चाइल्डहुड डेज. आई प्रे अ लॉट एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. सो अभी आई एम गोइंग टू द किचन एंड मेक समथिंग फॉर मी. मीनवाइल ये घर तो तेरा ही है. लुक एट शी इज लाइक अ क्वीन. मैं बार बार कैमरा हटाती हूँ एंड टेक इट बैक टू हर बिकॉज जस्ट लुक एट हर. आई ईट क्वाइट अ लॉट इन द मॉर्निंग. सो आई हैव माय पोहा एंड ऑमलेट हियर. प्रोटीन मिस नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट मील लोडेड विद प्रोटीन एंड आई लव ईटिंग एग्स. वाह. So after this, I have to paint my nails, get ready for a shoot. I'm planning to do 2 shoot today and ek edit complete karni hai mujhe. I have this whole bunch of nail shades. You know, these days I'm generally enjoying taking care of my skin and doing grooming and all. Kyunki abhi se 7-8 months pehle tak, September onwards, September to March, I have done extensive traveling. Itni zyada tanning hui thi mujhe and skin was in a terrible condition due to the weather. Ladakh to literally spoiled my skin. These days I'm loving this color. Lakme ka color hai. Let me put this. And of course, nail paint and chai. मैं दिन के 4 कप चाय पी रही हूँ आजकल और उसके बाद 4 कप काढ़ा ऑल्सो. प्लीज डू नॉट जज मी. और बहुत ज्यादा यूजफुल पे इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये यूजफुल है. सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट डन विद द शूट. हियर इज माय सेटअप. अब आई एम फीलिंग हंग्री. थोड़ा कुछ खाना खाती हूँ देन आई हैव टू गेट बैक टू माय एडिटिंग एंड अ कपल ऑफ थिंग्स मोर आई हैव टू डू. एनीवेज वी आर हैंगिंग आउट टुगेदर आज. कितना तू क्यूट तू है. चलो 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 ऑलमोस्ट 5:30 इन द इवनिंग. आई एम हियर टू टेक माई लंच. आजकल सिस्टम ऐसा ही है. 1 or 2 o'clock आई टेक माई ब्रेकफास्ट देन 5 or 6 लंच एंड दैट्स हाउ. एनी वे आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लीन अप ऑफ माई वार्डरोब. ये मेरा वॉन्ट वार्डरोब है. अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है इससे पिछले वाली तो उसमें मैंने बताया था कि आई हैव अ नीड वार्डरोब. नाउ आई एम क्लीनिंग अप माई वॉन्ट वार्डरोब. सो गाइज इट्स 7 इन द इवनिंग. एक्चुअली मुझे टाइम लग गया वार्डरोब अरेंज करने में. तो ये वाला जो टाइम है मोस्टली आज तो खैर आई वॉज क्लीनिंग माई वार्डरोब बट अदरवाइज वॉट आई डू इज इन द आफ्टरनून टाइम
till night, till about 8 or 9, I either edit my videos or fir I study something. These days I have picked up a new hobby. You guys know how much I love mountains, right? Himalayas. So I'm doing a lot of studies regarding Himalayas, how it was formed. Like, we have studied it during our school days, how Himalayas were formed and all. But usko detail mein bhi main padh rahi hu. And also I have been to so many parts of Himalayas, Middle Himalaya, Shivalik Himalayas and also Trans Himalayas. So sabko detail mein padh ke ab bahut zyada acha lag raha hai, kyunki mujhe lag raha hai ki okay, wow, there's something I have achieved. As in, बहुत सारे parts में मैं जा चुकी हूँ already. बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि Trans Himalaya होती क्या है. मतलब I will be honest, मुझे भी बहुत अच्छे से पता नहीं था. But मैंने जब travelling शुरू करी तो I learnt about it in detail. Like Ladakh is Trans Himalaya, Spiti is Trans Himalaya. Then generally I'm so drawn towards Buddhism. So these days I'm studying about Himalayas and Buddhism. See how were the Himalayas formed. And this is one documentary I was watching about women of Himalayas. So yeah, sipping my tea. Aur agar aap ye video sham ko dekh rahe ho to chai, cheers. So yeah, I'm gonna study for good 2-3 hours jab tak mera quota full nahi ho jaye. Aur uske baad I'm gonna be video calling a couple of my friends. But after a long time now. What bastard, not even 50 squats and legs are paining. Suddenly you start this after years, this is what happens. Your video is paused. This is what I do to kill my time these days, and it's always good, you know. I feel very nice when I speak to my friends and all. Yeah, I'll go and have dinner now. Post that I'll watch one movie. mujh pe attack ho gaya, mujhko Aaron ne kaat liya. So guys, this was all for today's vlog. बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे to hang out with you guys throughout the day. मेरी life फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा happening नहीं है, but I'm not complaining. I'm so thankful to God that at least I have a roof on my head and I'm able to eat and I'm safe, which is very 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 much important. I am counting my blessings in this pandemic, जब लोगों के पास literally बहुत सारी problems हैं. बस एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अभी के time पे अगर आप stressed हो कि आपका routine खराब हो चुका है या यू आर नॉट बींग प्रोडक्टिव, तो प्लीज़ ये सब मत सोचो. राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल टेक केयर ऑफ आर सेल्व्स और वट एवर थिंग्स वी डू दैट ब्रिंग्स अस सम पीस एंड हैप्पीनेस, डू दैट. स्टे सेफ एंड आई विश यू ऑल अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करना, बिकॉज आई फील दैट यू गाइज आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर माई वीडियोज. कॉमेंट करके बताना इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, और अगर आपके पास कुछ सजेशन है मुझे देने के लिए तो डू लेट मी नो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड. एंटिल देन, बाय बाय.